तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 8 में कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल स्टार्ट हैं। शीट नंबर 8, 9, 10 टोटल एनसीईआरटी है, तो आज और अगले लेक्चर में इसको टोटली कंप्लीट करेंगे। और फिर और मिलते जुलते क्वेश्चंस भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। 2 शीट एनसीईआरटी की और है, 5 एनसीईआरटी की शीट्स हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको दिए हैं। तो 27 ड्रॉप्स है हमने किया हुआ ये क्वेश्चन, और मैंने फॉर्मूला बुकलेट में लिखवाया भी है। अगर एक का पोटेंशियल 220 है और ड्रॉप्स कंबाइन हो जाते हैं तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? बोलो फॉर्मूला क्या था? एन रेज टू पावर इंटू 220। तो एन की जगह क्या पुट करेंगे? 27। 2/3 इंटू 220 वोल्ट इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लेना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, तो जिनका एरिया, एक का एरिया कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे का एरिया कितना गिवन है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दे हैव सेम चार्ज एंड हैव सेम पोटेंशियल। भाई चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो कैपेसिटेंस भी इसका मतलब सेम है, क्योंकि सी क्या होता है? क्यू बाई वी, तो कैपेसिटेंस भी सेम है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सी वन और सी टू बराबर है। अगर पहले कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.5 mm, ये डिस्टेंस है, ठीक। तो दूसरे कैपेसिटर में ये डिस्टेंस क्या होगा? ये क्वेश्चन है, क्योंकि C1 किसके इक्वल है? C2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? ये करते हैं ना, ये देखो। तो इसके अंदर एरिया फर्स्ट का 100 गिवन है, इसका 500 गिवन है, डिस्टेंस इसका 0.5 × 10⁻³ गिवन है, और इसका डिस्टेंस निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, मीटर में आएगा मेरा आंसर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ऑब्वियसली आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो यहां से D2 कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसे किया था, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फेरिकल कैपेसिटर हैज इनर स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर स्फेयर 13 सेंटीमीटर। आउटर स्फेयर इज अर्थ एंड इनर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम। तो मैंने आपको एक स्फेरिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन करवाई थी, अगर आप याद रखें। ये देखो, ऐसे इसके अंदर ये ए है, इसके अंदर ये बी है, ए और बी है, और इसको हम क्यू चार्ज देते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बुकलेट में चेक करो, 4π ε₀ b - a। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये फॉर्मूला था, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि मैंने स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर्स इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल रखा है, तो ये रिजल्ट कितने टाइम्स हो जाएगा? के टाइम्स। कोई भी कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिया जाए। ये भी ठीक है यहां तक। तो अब आपको इस क्वेश्चन में इनर रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये रहा। आपको आउटर रेडियस गिवन है इसमें 13 सेंटीमीटर, ये रहा। आप इसमें क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस। और चार्ज इसमें गिवन है 2.5 × 10⁻⁶ कूलम। आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पुट करें, 1/9 × 10⁻⁹ ए और बी आपको पता है, 12 × 10⁻², 13 × 10⁻², इंटू 32 डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, 13 − 12 × 10⁻²। तो ये आपके पास क्या जाएगी? इतने कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, फैरेड में आएगा एक आंसर। फिर वो कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फेयर। चलो मान लिया आपने कैपेसिटेंस निकाल ली जिसका आंसर 5.54 × 10⁻⁹ फैरेड आ गया। तो बी पार्ट में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाय सी। चार्ज आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 2.5 माइक्रो कूलम का, और सी आपने निकाल लिया 5.54 × 10⁻⁹, इतने वोल्ट आपके पास क्या जाएगा? आंसर। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब वो लास्ट पार्ट में ये कह रहा है, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सी पार्ट में अगर वो बोलता है कि बस एक स्फेयर है, आइसोलेटेड स्फेयर, आइसोलेटेड स्फेयर में सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 4π ε₀ r। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल आर आपको गिवन है कितना?
12 सेंटीमीटर। तो आप यहां से सी डैश निकाल लेंगे, फर्स्ट पार्ट से आपने सी निकाल लिया, सेकेंड पार्ट से आपने सी डैश निकाल लिया, फिर आप सी और सी डैश को डिवाइड करेंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 416 आएगा। लंबा क्वेश्चन है, लंबी कैलकुलेशन है, पर मेथड समझ में आ रहा है। अगर आइसोलेटेड स्फेयर है तो ये फॉर्मूला है, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है अर्थिंग वाला तो वो फॉर्मूला है। ठीक है यहां तक ऑनलाइन क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्या C1, C2, C3 या 9 पिको फैरेड है, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 by C, 1 by 9, 1 by 9, 1 by 9, तो C क्या आएगा 3 पिको फैरेड एक आंसर। फिर वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ईच कैपेसिटर का, अगर कॉम्बिनेशन 120 वोल्ट सप्लाई पे है तो क्या करें इसमें। एक बात बताओ, सी की रेशियो बताओ इसमें क्या है, 9:9:9, 1:1:1, तो V की रेशियो भी क्या होगी, 1:1:1, तो ऑब्वियसली इक्वल पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर हिस्से सबके, तो 120 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 40, 40 एंड 40, डन, खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो जो भी कैपेसिटेंस की रेशियो है वही पोटेंशियल की रेशियो है। नेक्स्ट, ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आंसर 9 आ गया। चार्ज निकालो हर कैपेसिटर का, तो अभी सिखाया मैंने कि अगर एक बैटरी इसमें कनेक्टेड कर दें, 100 वोल्ट की बैटरी है तो इसको क्या मिलेगा 100, इसको भी क्या मिलेगा 100, इसको भी क्या मिलेगा 100, तो CV क्या आ जाएगा तीनों पे चार्ज। ठीक है यहां तक, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, ये तीन कैपेसिटर्स गिवन है 5, 4, 3 कनेक्टेड विद फर्स्ट एंड सेकंड इन सीरीज, तो 5 और 4 माइक्रोफेरेड किसमें कनेक्टेड है सीरीज में, एंड थर्ड इन पैरेलल विद देम, तीसरा कैपेसिटर इनके साथ किसमें कनेक्टेड कर लिया पैरेलल विद देम, ऐसे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे ये दोनों सीरीज में, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल में। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 3 and 16 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब कैपेसिटर सीरीज में है तो अफेक्टिव कैपेसिटेंस 3 है, तो ऑब्वियसली सीरीज के अंदर हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, तो ये 3 है। पैरेलल के अंदर अफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है 16, तो C1 plus C2 is 16, तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या निकालना है C1 और C2 निकालना है, क्या होगा। ठीक, तो इसके अंदर C1 plus C2 की जगह 16 पुट कर देंगे, तो 3 C1 into C2 by 16, C1 into C2 क्या आ जाएगा 48। तब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है,
सी टू को 48 बाय सी वन यहां पुट कर लें, क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर आएगा, राइट। अगर ये नहीं करना, एक और तरीका है जो मैथ्स वालों को पता होता है, सी वन माइनस सी टू की का फॉर्मूला है, सी वन माइनस सी टू का स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी वन प्लस सी टू का स्क्वायर माइनस फोर सी वन सी टू, अगर ओपन करके देखो यही बनेगा फॉर्मूला। इसका ये फायदा है कि आप यहां से सी वन प्लस सी टू की वैल्यू 16 का स्क्वायर माइनस फोर इंटू 48, तो सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी वन माइनस सी टू। अब सी वन माइनस सी टू आ जाएगा, सी वन प्लस सी टू क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके सी वन सी टू आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक बना लो तब भी क्या दिक्कत है, तब भी आंसर सही आएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट है सेवन्थ के बाद एट्थ, वो कह रहा है इस क्वेश्चन में आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं 9 माइक्रोफेरेड के, कितने तरीकों से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं और उनकी कैपेसिटेंस निकाल लें। पहला तरीका 9, 9 एंड 9 सीधा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। दूसरा 9, 9 एंड 9 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तीसरा 9, 9 सीरीज में, और जो आंसर आएगा वो इस 9 के साथ पैरेलल में। नेक्स्ट 9 एंड 9 पैरेलल में, और जो आंसर आएगा वो एक इसके साथ किस में, इन सीरीज में। निकालते रहना इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, निकाल लोगे तो सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के आंसर निकालना है। सेकेंड वाला आंसर, ये देखो ना, एक ये केस है, ये केस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, और जो आंसर आएगा वो दोनों के साथ सीरीज। नेक्स्ट है ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज, और जो आंसर आएगा वो इसके साथ इन पैरेलल, पैरेलल, और जो आंसर आएगा इन दोनों के साथ इन सीरीज। ठीक है यहां तक, ठीक है, क्या कर लिया, नेक्स्ट, ठीक है, खत्म हो गया। इसके बाद शीट नंबर 8 के बाद शीट नंबर 9, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट कैपेसिटर वाला हमने कर लिया शीट में, ये क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन
ब्रिज वाला क्वेश्चन याद है, कर सकते हो, करना, कर लिया? कैसे किया ये? वो मैंने बताया था, ये सी वन, इसकी नंबरिंग सही नहीं है, मतलब इसने अपने हिसाब से कर रखी है, पर मैंने ये और ये मैंने क्या सिखाया था, एक दो तीन चार और पाँच, ऐसे तो मैंने सिखाया था कि ये और ये, यानी कि सी थ्री सी फाइव और सी टू ऐसे लगेंगे, सी फोर वाला ऊपर लगेगा और सी वन वाला नीचे लगेगा। तो सी थ्री की वैल्यू इसमें टू है, सी फोर की वैल्यू इसमें फोर है, सी वन की वैल्यू इसमें फाइव है और सी टू की वैल्यू इसमें टेन है। तो टू इज टू फोर इज फाइव इज टू टेन बिल्कुल सही है। तो इसको हटा देंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में सब पैरेलल में, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी कर लिया, बैटरी वाला क्वेश्चन था, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके सामने तीन कैपेसिटर्स हैं, और ये भी आपने कर लिया, अभी किया था, मैं सिखाया था, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और जो आंसर आएगा इसके साथ सीरीज में, फिर हमने चार्ज निकाला था आज के लेक्चर में निकाला। इसके अंदर ये दोनों किस में है, सीरीज में, और जो आंसर आएगा सी वन के साथ इन, और जो आंसर आएगा सी फोर के साथ सीरीज, जो आंसर आएगा सी फाइव के साथ, तो सीरीज इसके साथ पैरेलल, सीरीज इसके साथ पैरेलल, राइट? ठीक है, ये करने हैं आपने होमवर्क में, राइट? तो ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल करवाया था, देखते ही बता देना है कि तीनों के तीनों पैरेलल, हालांकि प्रूफ मैंने करवाया था लास्ट टाइम, पर मैंने शॉर्टकट बताया था, देखते ही बोल देना पैरेलल। इसके बाद ये तीनों पैरेलल बताया था, ये सेम ही तो है, ये बनाना और ये बनाना, बात तो एक ही है, इसमें और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों पैरेलल में करवाया था शीट में। लैडर वाली प्रॉब्लम भी हमने की नहीं, ये भी नहीं की।